सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे क्लास रीशेड्यूल करनी पड़ी। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बच्चा लोग क्या है प्रोपोर्शन, ये सब चीजें आज के लेक्चर में देखेंगे। आप फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, अगर आप लाइव आ गए हैं तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। So, in the last lecture, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? कल के लेक्चर में हमने देखा था रेशोस, और रेशोस जो है वो क्या होता है? It is just a comparison between two quantities which are of same kind and having same unit, guys. Okay? अब आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। और अनाउंसमेंट क्या है? We are going to start a plus an iconic batch from 27th of April. जिसमें तेजस सूचक सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, अंकिता बोरा मैम लॉ एंड बीसी के, आई मायसेल्फ विल बी टेकिंग केयर ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड मोहित पाटीदार सर विल बी टेकिंग केयर ऑफ इको एंड बीसी के। सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू एनरोल फॉर दिस। यू कैन यूज द कोड संदेश एंड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड संदेश, एंड डोंट वरी बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट 25% ऑफ एंड एज वेल एज 2 month एक्सटेंशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिसंबर 23 अटेम्प्ट। ऑल्सो If you are giving June 23 attempt, you can share the code with anyone who is trying to or who is looking for best classes, best possible classes for CA Foundation December 2023. So guys, please enroll soon because we are going to start the batch from 27th of April. Don't forget. And if your target is both Inter as well as Foundation, so यहाँ पर तो भैया आपको बहुत ज़्यादा discount मिलने वाला है combination में, because the offer price is slashed by 25% flat. Okay, चलिए वापस बात करते हैं और आ जाते हैं टॉपिक पर, जहां पर हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चा लोग? देखो, मैं जितना काम करूंगा, जितने घंटे काम करूंगा, उतना मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ठीक है, फिर मेरे घर में सपोज 4 लोग हैं और 20 रोटियां बन रही है। ठीक है, किसी दिन 2 गेस्ट आ गए तो आज कितनी रोटियां बनेगी? 30 रोटियां। तो भैया हमको ये पता होता है कि कोई भी चीज साथ में बढ़ती है या एक बढ़ने के वजह से दूसरी घटती है। तो जब हमको ये पता चल जाता है, इसे मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शन कहते हैं। डे टू डे लाइफ में ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, फर्म्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो प्रोपोर्शनेटली होते हैं। जितनी क्वांटिटी दोगे उतना पैसा मिलेगा, या फिर जितना पैसा दोगे उतनी क्वांटिटी मिलेगी। वो डायरेक्टली डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन जो क्लास 8 सीबीएसई में आप पढ़ते हो उसी का यहाँ पर ग्लिम्स है, बट यहाँ पर जो अप्रोच है इट इज टोटली एमसीक्यू अप्रोच। तो यहाँ का जो अप्रोच है बच्चा लोग एमसीक्यू अप्रोच है, इसी के साथ हमको डील करना रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रोपोर्शन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन कुछ नहीं है सर, प्रोपोर्शन है कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन इज कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। सो व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन इज नथिंग बट कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। ठीक है, लेट अस से मेरे पास एक रेशियो है ए बाय बी, एंड आई हैव अनदर रेशियो आई हैव इज सी बाय डी। ये दो रेशियोज मेरे पास में है। रेशियोज क्या होता है, एक बार उसको भी रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज रेशियो? सो रेशियो इज नथिंग बट व्हाट? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज which are having same unit and which are of same kind. For example, मैं इस पेंसिल को और इस मोबाइल फोन को कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये दोनों सेम काइंड की है ही नहीं। ठीक है, I cannot compare these two things, right? But I can compare the weight of mine with the weight of any other person. I can compare the height of mine with the height of any other person. I cannot compare my height with someone's weight. But रेशो प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं है। ये रेशो रेशो ऑफ वेट्स हो सकता है या हाइट्स हो सकता है, और ये रेशो जो है वो रेशो ऑफ वेट्स हो सकता है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि रेशो में हमें क्वांटिटीज जो है वो सेम काइंड की चाहिए होती है, सेम यूनिट की चाहिए होती है, बट प्रोपोर्शन में दोनों रेशोज के यूनिट अलग अलग हो सकते हैं। सो व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन इज नथिंग बट इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, और जस्ट इट इज नथिंग बट कंपेरिजन ऑफ टू रेशोज। एक रेशो है ए बाई बी, दूसरा रेशो है सी बाई डी। तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज सेट टू बी इन प्रोपोर्शन, और ए बी सी एंड डी आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन।
अब इसको लिखते कैसा है, क्योंकि गणित में हर चीज को लिखने का एक तरीका है, तो तरीका क्या है बच्चा लोग वो देखते हैं। इट इज ए इज टू बी इन प्रपोर्शन विथ सी इज टू डी। ठीक है, इस तरह से आपको डील करना होता है किस चीज के साथ, रेशो प्रपोर्शन को लिखने के साथ। तो यहां पर आ गया आपका ए इज टू बी, यहां पर आपको चार डॉट्स देने हैं और यहां पर आपको लिखना है सी इज टू डी। तो इसको आप इक्वल टू भी बोल सकते हैं और इसको पढ़ेंगे इस प्रपोर्शन, क्या पढ़ेंगे इस प्रपोर्शन, इज इन प्रपोर्शन ऐसा भी पकड़ सकते हैं, इज इन प्रपोर्शन भी पढ़ सकते हैं। तो मैं बोलूंगा ए बाई बी इज इन प्रपोर्शन विथ सी बाई डी, या फिर ए इज टू बी इज इन प्रपोर्शन विथ सी इज टू डी। गुड आफ्टरनून गीतांजलि, गुड आफ्टरनून समथिंग डिफरेंट, ओके। चलिए सो शुभारंभ करते हैं प्रपोर्शन को समझने का, और प्रपोर्शन क्या है ये हमें पता है। प्रपोर्शन इज जस्ट कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोस, कि जिसको हम कैसे लिखते हैं, ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, या फिर ए इज टू बी इज इन प्रपोर्शन विथ सी इज टू डी। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो रेशियोस की है बच्चा लोग, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी रेशियो की क्या है, देखिए सबसे बेसिक प्रॉपर्टी रेशियो की है कि हम अगर ए बाई बी इज इक्वल्स टू प्रपोर्शन की है, वो क्या है, ए बाई बी इज इक्वल टू अगर हम सी बाई डी लिखते हैं, तो बच्चा लोग ए डी इज इक्वल्स टू बी सी को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। इसको हमेशा याद रखना, इसको हमेशा याद रखना। अहमदाबाद दिल्ली बैंगलोर चेन्नई कैसे याद रखोगे, अहमदाबाद दिल्ली बैंगलोर चेन्नई, अहमदाबाद दिल्ली बैंगलोर चेन्नई, ठीक है, ए बी सी डी नहीं है, ए डी बी सी है, ठीक है, ए डी बी सी है, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को याद रखना है आप सभी को। अब जैसे ही मैं इसको लिख देता हूं ए इज टू बी इज इन प्रपोर्शन विथ सी इज टू डी, ओके, तो यहां पे ए जो है इसे कहा जाता है फर्स्ट प्रपोर्शन, क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रपोर्शन, ठीक है। बी को कहा जाता है सेकेंड प्रपोर्शन, सी को कहा जाता है थर्ड प्रपोर्शन, और डी को कहा जाता है फोर्थ प्रपोर्शन। बच्चा तो ए इज फर्स्ट प्रपोर्शन, बी इज सेकेंड प्रपोर्शन, सी इज थर्ड प्रपोर्शन एंड डी इज फोर्थ प्रपोर्शन। इसको ऐसे ही याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए उसके बाद अगर मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं ए इज टू बी इज इन प्रपोर्शन विथ, इसको थोड़ा सा मैं मार्कर को डार्क कर लेता हूं, ए इज टू बी इज इन प्रपोर्शन विथ सी इज टू डी, तो इसे हम कहते हैं बच्चा लोग, देखिए ये जो दो बाहरी चीजें हैं इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स, राइट, और जो बीच की चीजें हैं दोनों भी इसे कहा जाता है मीन्स, ठीक है। जो बीच बीच में करता है बोलते हैं हाउ मीन, तो बीच में जो है भैया वो मीन, ठीक है, और जो बाहरी चीजें हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम, ठीक है। सो ए और डी एक्सट्रीम्स है, बी और सी आपके मीन्स है। ए और डी क्या है, एक्सट्रीम्स है, बी और सी मीन्स है। ए और डी एक्सट्रीम्स है, बी और सी मीन्स है, ठीक है बच्चा लोग। चलिए तो तीन चार चीजें हमने प्रपोर्शन के बारे में देख ली, अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। चलिए एक और बात यहाँ पर आती है बच्चा लोग, देखो मैंने यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखाया, ए डी दिख रहा होगा, ए डी क्या है, ए और डी क्या है, एक्सट्रीम्स है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि बी सी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है ये चीज, 100% क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगला टॉपिक। अगर मेरे पास दो नंबर, चार नंबर नहीं है, मेरे पास सिर्फ तीन ही नंबर है, ठीक है, तो बच्चा लोग अगर मेरे पास एक रेशो है ए टू बी और दूसरा रेशो मेरे पास है बी इज टू सी, ठीक है, तो इसे कहते हैं ए बी सी आर इन, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, क्या कहते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। फिर से यहां पर ए इज टू बी इज इन प्रपोर्शन विथ बी इज टू सी, बच्चा लोग मैं ए और सी का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इसको मैं इक्वेट कर देता हूं प्रोडक्ट ऑफ मीन से, यानी यहां पर मैं लिख दिया बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखनी है कि व्हेनेवर ए बी सी आर द थ्री नंबर्स व्हिच आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी, और वी कैन से दैट बी विल बी इक्वल
इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, बी किसको इक्वल रहेगा, अंडर रूट ए सी को। तो हर एक स्लाइड कुछ ना कुछ यहाँ पर नया लेकर के आ रही है, और हाँ यहाँ पर जो बी है बच्चा लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं इसको, मीन प्रोपोर्शनल। योर ए, ए जो है इट इज फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी जो है कंबाइनली इट इज सेकेंड प्रोपोर्शनल, एंड थर्ड एंड सी इज योर थर्ड प्रोपोर्शनल। इस चीज को आपको याद रखना है इफ यू वॉन्ट टू एस प्रोपोर्शंस। ये चैप्टर बच्चा लोग आपको एग्जामिनेशन में जो आएगा, इट विल बी कमिंग फॉर एटलीस्ट फॉर 7 to 8 marks। तो सभी को बहुत अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, बिल्कुल भी कहीं भी ढीला नहीं छोड़ना है इस चैप्टर को, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रोपोर्शन में क्या देखा। सम टेक्निकल इशू वाज देयर, तो मैं क्लास लेट स्टार्ट किया था, पर बीच में से बंद करके देना है, हैड टू स्टार्ट इट अगेन। ओके चलिए, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। अगर ए बाई बी एक रेशो है और सी बाई डी दूसरा रेशो है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, ए दो डॉट्स, बी चार डॉट्स, सी दो डॉट्स, बी। अब इसको ऐसा नहीं पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, ए इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी इज टू डी, राइट। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, डी जाएगा अहमदाबाद के पास। दिल्ली से कौन कहाँ गए, अहमदाबाद, और बैंगलोर से कहाँ गए, चेन्नई। दिल्ली से अहमदाबाद, बैंगलोर से चेन्नई, दिल्ली से अहमदाबाद, बैंगलोर से चेन्नई, दिल्ली से अहमदाबाद, बैंगलोर से चेन्नई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलिए नाउ ए बी, ए इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी इज टू डी, अगर मैं लिखता हूँ तो बच्चा लोग आपका जो ए है इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी जो है इट इज कॉल्ड एज सेकेंड प्रोपोर्शन, सी जो है इट इज कॉल्ड एज थर्ड प्रोपोर्शन, एंड डी इज कॉल्ड एज फोर्थ प्रोपोर्शन। एग्जाम में ये चीजें पता चाहिए, क्यों, क्योंकि पूछते हैं व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शन, व्हाट विल बी द फोर्थ प्रोपोर्शन, व्हाट विल बी द फिफ्थ प्रोपोर्शन, सॉरी थर्ड सेकंड प्रोपोर्शन, ऐसा सब पूछते हैं। अगर प्रोपोर्शन को मैं लिखता हूँ ए इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी इज टू डी, तो बच्चा लोग आपका ए और डी जो है, ए और डी जो है इसे कहते हैं एक्सट्रीम, और बी और सी जो है उसे कहते हैं मीन। तो बच्चा लोग ए एंड डी आर द एक्सट्रीम्स, बी एंड सी आर कॉल्ड एज मीन। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। चलिए अब अगर तीन ही नंबर्स है ए बी और सी, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन विद बी इज टू सी, जहां पर ए को कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, और सी को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। So AC can also be written as B square by using multiplication, cross multiplication property, and B is also equals to what, under root AC. So I hope this thing is very much clear to you. So definitely now we'll move on to the questions of this topic. चलिए इस topic के questions पर पहुंच जाते हैं, ताकत से questions को solve करते हैं। जो भी चीज करेंगे भैया वो ताकत से ही करेंगे। चलिए what is the first question, computer screen पर कौन बनेगा CA इस सेशन में, ये रहा, ध्यान दीजिए। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8 इज, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। फोर आपके तीन नंबर्स कौन से है, 4, 6, 8, और हमें चौथा नंबर पता नहीं, उसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 4/6 इज इक्वल टू 8/x। ओके, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिल्ली से अहमदाबाद, बैंगलोर से चेन्नई। तो दिल्ली से अहमदाबाद यानी हो गया 4x, 4 into x is 4x and 6 into 8 is 48, ठीक है। तो x आ जाएगा आपका 48 over 4, x आ जाएगा आपका 12. So answer for this question will be 12. I hope this is clear, pretty clear, this is very much clear guys. Yes or no? चलिए, ये हो गया आपका first question. What is second question? The third proportional to 12, 18 is, दो ही numbers दिए हैं और तीसरा प्रोपोर्शनल हमसे पूछ लिया, यानी तीन ही नंबर रहने वाले हैं बच्चा लोग, और वो तीन नंबर कौन से हैं, 12 है, 18 है और x है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12/18 इज इक्वल्स टू 18/x, क्योंकि जब तीन नंबर्स होते हैं a b c, तब हम लिखते हैं a by b इज इक्वल टू b by c। यहाँ आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 18 into 18। बच्चा लोग कोई टेंशन की बात नहीं है, 18 का स्क्वायर 324 और अपॉन 12। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए और आंसर को प्राप्त करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट यूज कैलकुलेटर एंड गेट योर आंसर डन। क्या आंसर आएगा बता सकता है कोई, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 27।
ओके बच्चा लो, तो ये आ गया अपना 27, पहले का आंसर आ गया था 12। सबको क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर है ये चीज? तो ये थे आपके पहले दो क्वेश्चंस जिसमें हमें क्या निकालना था, जिसमें हमें निकालना था पहले में फोर्थ प्रोपोर्शनल, दूसरे में थर्ड प्रोपोर्शनल, अब तीसरे में मीन प्रोपोर्शनल, यानी बीच का नंबर गायब है भैया, बीच का नंबर गायब है। यहां पर आ गया 80। मीन प्रोपोर्शनल बोलने के बाद तीन ही नंबर्स रहेंगे ए बी और सी, आपको बी निकालना है। तो कैसा होता है बी का फॉर्मूला, क्या है बी इज अंडर रूट ऑफ ए सी, तो बी क्या हो जाएगा बच्चा लोग, अंडर रूट ऑफ 25 इनटू 81, तो बी कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी बी, बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, रूट 25, इंडाइसेस की प्रॉपर्टी से रूट 25 इनटू रूट 81 लिख सकते हैं, बी आपका हो जाएगा 5 इनटू 9 एंड बी विल बी इक्वल्स टू 45, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 45। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 45। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस प्रोसीड टू द फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन स्टेट्स दैट द नंबर्स व्हिच हैज द सेम रेशियो 226 एज सॉरी दैट 6 हैज टू 13, यानी जो रेशियो 6 का 13 के साथ है, क्या बोला गया है, जो रेशियो 6 का 13 के साथ है वही किसी नंबर का 26 के साथ है, तो कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज इज प्रोपोर्शन, और कंपैरिजन हमने कर लिया, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग देखिए, अलजेब्रा बोलता है 13 times 1 13 times 2। ठीक है, यहां पर हमारा जो उत्तर आएगा बच्चा लोग, ये आएगा x = 6 × 2, x = 12 अगेन। तो पहले चार क्वेश्चन में दो इसके आंसर्स थे 12 ही आएगा, यस 12 ही आएगा, तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस, द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन विल बी नन ऑफ दिस गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, कौन बनेगा सीए, फटाफट आगे बढ़ते हैं भैया, हमको कोई नहीं हरा सकता, हमको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि हमारी लड़ाई खुद से है, हमारी लड़ाई खुद से है, खुद के मार्क्स इंप्रूव करने से है, तो हमें कोई नहीं हरा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, सिर्फ हम खुद हमें हरा सकते हैं, और हमने खुद से हारना तो कभी जाना नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 2a a स्क्वायर c, और चौथा हम अज्यूम कर लेंगे x, क्या होगा पूछा गया है, तो 2a अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन x, a के और a के कट गया, 2/a इज इक्वल्स टू c बाय x, तो x आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चा लोग, अहमदाबाद दिल्ली और बैंगलोर चेन्नई। ठीक है, तो यहां पर x हो जाएगा बच्चा लोग ac अपॉन 2। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, और मैं चाहता नहीं हूं कि मेरे बच्चे गलती करें, क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ac इधर दिख रहा है, 2x equal to ac दिख रहा है, तो बहुत से बच्चे नर्वसनेस के मारे ac माइनस 2 कर देते हैं, उनको लगता है ये 2 उधर जाकर के माइनस हो, बट ये समझना बहुत जरूरी है बच्चा लोग कि 2 into x ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट से चीजें डिविजन में कन्वर्ट हो सकती है, ना कि सब्ट्रैक्शन में, तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर है, करेक्ट उत्तर जो है गलत है, करेक्ट उत्तर क्या है बताइए, एक सेकंड रुकिए, ये जो है ये इसका क्या है गलत है, इसका सही क्या है, x is equals to ac by 2। आप लोग नहीं करते होंगे ये गलतियां, आपका लॉजिक स्ट्रांग होगा, बट कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने मैथ्स को बहुत पहले छोड़ दिया होता है, बट 12th के बाद उनको सीए फाउंडेशन देने के लिए गणित तो लगता ही है भैया, है ना, तो ये गलतियां ना करें, इसे इस इन गलतियों से बचे सब लोग। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ फोर नंबर्स 1/2 1/3 1/5 and 1/x आर इन प्रोपोर्शन, देन 1/2 1/3 1/5 and 1/x, चार नंबर है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्रिस्टल क्लियर हो गया, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, सो 1/2 के नीचे लिख दूंगा 1/3 और 1/5 के नीचे लिख दूंगा 1/x। बच्चा लोग एक प्रॉपर्टी, एक ब्रह्मास्त्र आपको बताता हूँ, ध्यान देंगे यहाँ, आई एम गोइंग टू शेयर वन ब्रह्मास्त्र, अब ये ब्रह्मास्त्र क्या है उसे समझिए, a by b होल अपॉन c by d अगर होता है तो हम इसे लिखते हैं ad अपॉन bc, यानी नीचे वाले ऊपर वाले का और सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन होगा, और दोनों के बीच वाले जो दोनों उनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पर 1 और 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 और 2 ऑन 1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2। ठीक है, इन दोनों का कर दिया और फिर बीच वाले दोनों का, वैसे ही यहाँ पर x into 1 x हो जाएगा,
इसका और इसका, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो बीच के दो है उनका हो जाएगा 5। तो अब तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बचा है, अहमदाबाद दिल्ली बैंगलोर चेन्नई, तो क्या हो जाएगा आंसर, 15 इज इक्वल टू 2x, तो x आपका हो जाएगा 15/2। x क्या हो जाएगा 15/2, तो आपका आंसर है बच्चा लोग 15/2। क्या आंसर है 15/2। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समथिंग डिफरेंट, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स दी सेवेंथ क्वेश्चन, और सेवेंथ क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या कहता है, अरे भैया कहना क्या चाहते हो? चलिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन देखते हैं। द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 12x2, यहां पर मैं स्टार दे देता हूं, एंड 27y2, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है देखते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग, हमें क्या निकालना है, लेट अस से इसको x बोल देते हैं। तो मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला x2x इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a इंटू सी, यानी 12x2 इंटू 27y2, बिकॉज दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, x इज इक्वल्स टू, यार कैपिटल x लेना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। ठीक है चलिए, मुझे पता है मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 27 इंटू अंडर रूट x2 इंटू अंडर रूट y2। तो बच्चा लोग अंडर रूट x2 को x, अंडर रूट y2 को y, अंडर रूट 12 को 2√3 और अंडर रूट 27 को 3√3, या फिर आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो बच्चा लोग 12 इंटू 27 करने का, 12 इंटू 27 कितना आता है 324, और उसको रूट में लिखने का, तो x आ जाएगा आपका xy इंटू 18, तो आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा इट विल बी 18xy। योर फाइनल आंसर इज 18xy गाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? हिंट भी दी है, एग्जाम में हिंट नहीं दी रहेगी, आपको खुद से करना रहेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और मजेदार है बच्चा लोग, क्या कहता है अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। a इज इक्वल्स टू b बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या दिया है, इज इक्वल्स टू c बाय 5। हमें पूछा गया है a इज टू b इज टू c क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दिस क्वेश्चन इज मक्खन क्वेश्चन। जब भी ऐसे तीन रेशोज इक्वालिटी में दिए हो, जब भी ऐसे तीन रेशोज इक्वालिटी में दिए हो तब क्या करना है, तब ये करना है a by 1 is equals to b by 2 is equals to c by 5 is equals to k। तो a की वैल्यू हो जाएगी बच्चा लोग 1 के, b की वैल्यू हो जाएगी बच्चा लोग 2 के, और c की वैल्यू बच्चा लोग हो जाएगी क्या 5 के। कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 को k से मल्टीप्लाई, 2 को k से मल्टीप्लाई, 5 को k से मल्टीप्लाई। अब हमें a is to b is to c पूछा है, कौन सा रॉकेट साइंस है, 1k is to 2k is to 5k, कितना हो जाएगा 1 is to 2 is to 5, this is your a is to b is to c, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 is to 2 is to 5, so your answer is 1 is to 2 is to 5, what is the answer 1 is to 2 is to 5। So all of you have to prepare, be prepared for such questions because exam में ऐसे questions आने के chances काफी ज़्यादा है। और बच्चा लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी June attempt बहुत पास में आ गया है, ठीक है, अपने पास में अभी maximum of 50 days बचे हैं या 55 days बचे हैं ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है 50-55 days बचे हैं। इन 55 days में आपको आपकी life को 55 times better बनाना है, ना कि आपके lifestyle में बट आपके पढ़ाई करने के तरीके में, ठीक है। तो ये 55 दिन जो है भैया जी, ये 55 दिन आपको इतने अच्छे से यूटिलाइज करने हैं कि आपको, मैं आपको लगे यार यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आप खुद का तारीफ करना चाहिए ऐसा, यार मैंने ये कर दिखाया। तो आखिरी 55 दिन हमें इतने अच्छे से जीने हैं, इतने अच्छे से मेहनत करनी है कि हमें ये यकीन हो जाए कि चाहे जो भी होगा दुनिया में, चाहे जो भी हो जाए, हम किसी चीज को गिवन टाइम में कर सकते हैं, हम में उतनी धमक है, हमारी उतनी औकात है, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चा लोग। लास्ट 55 डेज गिव इट अ फाइनल शॉट, सी ऑलवेज ट्राई टू
शूट फॉर द मून, डेफिनेटली यू विल लैंड इनटू द स्टार्स, ठीक है, समझ रहे हो। अर्जुन को जब महाभारत में पूछा गया था, यानी आपको भी इंसिडेंट सबने सुना होगा कि आपको क्या दिख रहा है, यानी सभी भाई खड़े थे और भाइयों को बुलाया गया था, उनको तीरंदाजी सिखा रहे थे गुरु द्रोणाचार्य, तो उन्होंने पूछा अर्जुन को कि तुमको क्या दिख रहा है, तो बाकी सब भाइयों से पूछा, भीम साहब से पूछा, तो उन्होंने बोला कि मुझे पेड़ दिख रहा है, फल दिख रहे हैं, नकुल ने कुछ बोला, सहदेव ने कुछ बोला, युधिष्ठिर ने कुछ बोला, इन सब ने कुछ 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 अलग चीजें बोली। और अर्जुन की जब बारी आई, अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे उस तोते की, उस पैरट की आंख दिख रही है। किसी भी चीज में अगर आप सोचो कि कोई बड़ी चीज है, ठीक है, अगर आपके सामने कोई बड़ी चीज है और आपको अगर निशाना यहां पर लगाना है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको धुंधली दिखनी चाहिए, क्योंकि मुझे निशाना यहां लगाना है तो मैं इसी चीज पे निशाना लगाऊंगा। तो भैया जी, ये जो सेंटर है ना, ये है आपका सीए फाउंडेशन, और सीए फाउंडेशन अगर आपको क्रैक करना है, यकीन के साथ कह रहा हूं, यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपको फोकस पूरा उसी जगह पर ला करके रखना पड़ेगा। और साइंस भी बोलता है यार कि फोकस कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। एक बचपन से एक एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, मैग्नीफाइंग लेंस लेकर के आप किसी चीज पे ऐसा उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसा ऐसा करते, ठीक है। अगर मुझे एक बात बताइए, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर मैं हाथ में ले लेता हूँ और मैं उसको अगर 10 जगह पर मूव करूँ पेपर पर, तो क्या पेपर जलेगा? नहीं जलेगा। बट अगर मैं उसको एक जगह पर उसका छोटा सा डॉट बनाऊं, तो क्या पेपर जलेगा? हाँ, पेपर जलेगा। और वो डॉट जो है बच्चा लोग, वो फोकस है। ICAI एक पेपर है जिसे हमें क्रैक करना है, जिसे हमें फोड़ना है, और वो फोड़ने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना बच्चा लोग, वो है फोकस। फोकस नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफ में है वो है फोकस, ठीक है। तो फोकस रहिए अपने पढ़ाई के प्रति, अपने करियर के प्रति, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर मिलेगा। और हमारे लिए अभी कुछ ना कुछ जो है वो है सीए फाउंडेशन जून 23 अटेम्प्ट, जिसकी रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ए बाय 3 इज इक्वल टू बी बाय 4 इज इक्वल टू सी बाय 7। मैंने बताया जब भी तीन रेशो आएंगे तो हम कानपुर का के लगा देंगे, लगा दिया कानपुर का के, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3k, b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 4k, और c इज इक्वल टू हो जाएगा 7k। ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, a के जगह 3, b के जगह 4, c के जगह 7 इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 7 और अपॉन c है, c क्या है 7, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 7, और 14 अपॉन 7 आप सब लोग जानते हो कितना होता है, 2। तो मेरा इसका आंसर क्लियर कट 2 आ जाएगा। के वाला मेथड यूज करना है, इसने अपने पिछले क्वेश्चन में के वाला यूज किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर के पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर ध्यान दिया किस चीज पर, कुछ शॉर्टकट टेक्निक पर, ठीक है बच्चा लोग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं आगे, लेट अस प्रोसीड। वेरी गुड, समथिंग डिफरेंट, आप बहुत एक्टिव रहते हो, अच्छी बात है, क्लास में अटेंशन है इसलिए आप एक्टिव रहते हो, ये प्रूव करता है इस चीज को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 इट इज p by q इक्वल टू r by s। हमसे क्या पूछा गया है बच्चा लोग, और वो भी इक्वल है किसको, 2.5 अपॉन 1.5। बच्चा लोग 0.5, इसको मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 25 by 15 हो जाएगा, और अगर ये 25 by 15 हो जाता है तो ये 5 by 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 by 3, यानी मेरा p by q और r by s दोनों भी 5 by 3 है। मुझे पूछा गया PS is to QR क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, PS is to QR is very simple to get, PS is to QR का आपका जो answer हो रहा है, कंसर हो रहा है, वो क्या होगा, P into S यानी cross multiplication, अहमदाबाद दिल्ली और बैंगलोर चेन्नई, या बॉम्बे चेन्नई बैंगलोर चेन्नई, जैसा आपको करना है वैसा कर सकते हैं। तो PS upon QR will be the same ratio, that is 5 by 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 upon 3, that is 5 is to 3, clear है सभी को? Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? Yes, I hope it is clear. Next आ जाता है आपका question number 11. चलिए, क्या है question number 11? क्या है question number 11? एक नाम बहुत अच्छा है, CAAIR1. Guys, my
माई सिस्टर इज ऑल इंडिया रैंक 3 इन सी ए, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 3 इन सी ए, तो उसने जो मेहनत की ना, मैंने उसे देखा है, उसने जो मेहनत की मैंने उसे देखा है कि कितना डेडिकेशन के साथ वो पढ़ाई करती थी. एंड उनके वक्त सीपीटी हुआ करता था, ठीक है, विदाउट एनी मेंटरिंग शी क्रैक्ड ऑल द लेवल्स ऑफ सी ए. डेफिनेटली मेंटरिंग तो थी, थोड़े बहुत टीचर्स की मेंटरिंग थी, थोड़े बहुत क्लासेस भी थे, बट जो डेडिकेशन उसका था वो डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा अलग लेवल का था. वो उसकी उसका उसका जो स्टैमिना था ना पढ़ाई करने का, वो इतना था, वो 4 बजे अगर रूम में चली जाती है तो 9 बजे तक कॉन्स्टेंटली वो पढ़ेगी, बाहर आएगी, डिनर करेगी, एंड डेफिनेटली उसके बाद में और 3-4 घंटे पढ़ेगी. तो इस तरह से मैंने उनको मेहनत करते हुए, मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा है. और डेफिनेटली आप भी इस प्रकार की अगर मेहनत करोगे, ठीक है, देखो कुछ पाने के लिए ना बच्चा लोग कुछ खोना पड़ता है, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ. कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ चीजें त्याग करनी पड़ती है. जब तक आप चीजों को त्याग नहीं करोगे तब तक आपको सीए फाउंडेशन का रैंक नहीं मिलेगा. त्याग करने का मतलब क्या, आपको लगता है यार आपका बार बार ध्यान फोन की तरफ जा रहा है, 2 महीने के लिए फोन रख दो, लेक्चर्स के लिए फोन लिया करो, क्लासेस के लिए फोन लिया करो, प्रैक्टिस के लिए फोन लिया करो, बाकी समय फोन रख दो, ठीक है. आपको लगता है आपका फ्रेंड्स में ज्यादा समय जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, आपको आपका समय रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए. बहुत अंतर है, मैं टीवी देखकर खाना खाऊंगा और खाना खाकर पढ़ाई करूंगा, या फिर इसका उल्टा, मैं टीवी देखकर मैं पढ़ाई करूंगा फिर मैं खाना खाऊंगा और फिर मैं टीवी देखूंगा, इसमें बहुत अंतर है. आपकी प्रायोरिटी सेट करना आपको बहुत जरूरी है बच्चा लोग, और इससे आपका ब्रेन जो है ना वो कंडीशन होता है. जैसा आप आपके ब्रेन को कंडीशन करोगे वैसा आप चीजों को जीतना शुरू करोगे, ठीक है. कितना डिफरेंस है आप ही मुझे बताइए. मैं टीवी देखने के बाद खाना खाऊं, टीवी देखने के बाद पढ़ाई करूंगा, या पढ़ाई करने के बाद टीवी देखूंगा. दूसरे केस में हो सकता है कि आप पढ़ाई ना करो, बट पहले केस में ये तो जरूर होगा कि आप पढ़ाई कर लेते हो तो आप टीवी जरूर देखोगे, ठीक है. बट आपके पास में एक विन विन सिचुएशन ये रहेगा कि आपने पढ़ाई कर ली रहेगी, देन यू आर डूइंग सम एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स, ठीक है. तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि प्रायोरिटी जो है ना बच्चा लोग वो सेट करना बहुत जरूरी है. जब तक आप प्रायोरिटी सेट नहीं कर देते तब तक कुछ नहीं हो सकता जीवन में, ठीक है, एक्सपीरियंस बोलता है. चलिए 11th क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा लोग. x by y is equals to z by w is equals to ये 2.5 upon 1.5 upon x plus z upon y plus w is equals to क्या बच्चा लोग, इसे हम क्या कहते हैं पता है, इसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोस. इसे हम क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोस. अब थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोस क्या बोलता है इसे समझने की कोशिश करते हैं. कॉन्सेप्ट आ रहा है बूस्टर बनके, ध्यान दो, बूस्टर कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है. ये बोलता है अगर a by b is equal to c by d है, ये हमेशा is equal to some e by f है, तो ये हमेशा इक्वल रहेगा किसको, this will always be equals to a plus c plus e upon b plus d plus f. तो ये 3 रेशियोज के लिए मैंने आपको बताया, इसे कहते हैं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, ठीक है. इसे क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, या इसे एडेंडो भी बोला जाता है, ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट एज एडेंडो, ठीक है. चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे. तो जो इन दोनों का रेशो है, जो इन दोनों का रेशो है वही इनके सम का भी रेशो रहेगा, यानी जो इसका आंसर आएगा बच्चों लोग, इट विल बी 2.5 अपॉन 1.5, अगेन इट विल बी 5/3, ठीक है. तो आपका आंसर जो है वो निश्चित है, क्या है, 5/3. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12. चलिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 का कहना यह है कि 5x-3y अपॉन 5y-3x इज इक्वल्स टू 3/4. देन आपको पूछा गया कि x इज टू y क्या होगा, ठीक है, क्या पूछा गया, x इज टू y क्या होगा. ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक छोटा सा रूल है. आप क्या करिए,
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड बोथ बाय एक्स, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करना है, एक्स से। यहां आ जाएगा आपका 5x अपॉन x माइनस 3y अपॉन x, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा, या फिर एक काम करिए आप, हमको x x to y चाहिए ना, हम किससे डिवाइड करते हैं बच्चा लोग, इंस्टेड ऑफ x वी विल डिवाइड बाय y, ठीक है। चलिए 5x by y माइनस 3y by y होल अपॉन 5y by y माइनस 3x by y इज इक्वल्स टू 3 by 4, तो y कैंसिल, y कैंसिल, हमें x by y चाहिए था बच्चा लोग, x by y को हम क्या करते हैं पता है, x by y को हम a पुट कर देते हैं, तो कैलकुलेशन सरल दिखेंगे, 5a माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3a इज इक्वल टू 3 by 4। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अहमदाबाद दिल्ली बैंगलोर चेन्नई क्या होगा बताइए, 20a माइनस 12 इज इक्वल टू 15 माइनस 9a, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 29a इज इक्वल टू 27, a की वैल्यू आ गई 27 बाय 29, तो आपका जो रेशो होगा x बाय y इट विल बी 27 बाय 29 व्हिच इज योर ऑप्शन, नन ऑफ दिस। क्या आंसर रहेगा इसका, नन ऑफ दिस। आई होप दिस इज क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं पूरा। डिवाइड बाय y किया, डिवाइड बाय y करने के बाद में y कट गए ऊपर नीचे दोनों तरफ, x बाय y दोनों तरफ रहा इज इक्वल टू 3 बाय 4, 5a x by y को मैंने a बोल दिया, 5x 5a minus 3 upon 5 minus 3a is equal to 3 by 4, so 12a 20a minus 12 20 cross multiplication किया 20a minus 12 is equal to 15a 15 minus 9a 9 को इस तरफ भेजा तो 29 बन गया, 12 को इस तरफ भेजा तो 15 बन गया, तो ये हो गया 20 a is equal to 27 by 29 which is your x upon y। चलिए तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर कौन से, एक से लेकर के कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए, 12 तक पहुंच गए, बहुत अच्छी स्पीड है, चलिए चलते रहिए। अगला जो क्वेश्चन रहेगा बच्चा लोग, अगला जो शीट है क्वेश्चंस का, ये बहुत ही ज्यादा सरल है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं तब तक आपका सीए फाउंडेशन का मैथ्स जो है वो बहुत ही सेफ हैंड्स में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बोला है ए बाई बी इज इक्वल्स टू 3 बाई 2, इसके लिए बहुत से बच्चे एब्सेंट थे मेरे ख्याल से रेशियोज में, मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी, एंड बी बाई सी इज इक्वल टू 3 बाई 5, हमसे पूछा गया है ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा, ठीक है। अब इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 3 करने बोला था 9 लिख देंगे, अब 9 कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो मेरा ध्यान जो है उस क्वेश्चन पर चले गया, वहां पर चले गया कि मेरा आंसर जो है वो हो सकता है 9:6:10 हो, ठीक है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, बट चेक करते हैं। फिर मैंने बोला था आपको, कलर चेंज करता हूँ बच्चा लोग, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 6 बन गया, और फिर मैंने आपको बोला था बच्चा लोग कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 10 बन गया, देखो कितने सरलता से इसका आंसर आ गया, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9:6:10, क्या है 9:6:10। चलिए इसी के साथ आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्या है क्वेश्चन नंबर 14, हमें बोला है x by 2 is equals to y by 3 is equals to z by 7 is equal to k, मैं बोलूंगा कि x के जगह 2 डाल दो, y के जगह 3 डाल दो, z के जगह 7 डाल दो, 2 into 2 इसमें डाल रहो बच्चा लो, minus 5 into 3 plus 4 into 7 और अपॉन में आपका आ जाएगा 2 into 3, y की वैल्यू 3, 4 माइनस 15 प्लस 28 अपॉन आ जाएगा 6, यह आ जाएगा बच्चा लोग आपका कितना 17 अपॉन 6, आपका आंसर है 17 अपॉन 6, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये चीज सबको क्लियर है 100%, 28 माइनस 15 इज 13, 13 प्लस 4 इज 17 एंड ओवर 6 तो 13, यह आ गया आपका 17 अपॉन 6, क्लियर है गाइस सबको। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं, x by y की वैल्यू दी गई है 2 by 3 और हमें y by z की वैल्यू दी गई है, y by z की वैल्यू कितनी दी गई है 4:3, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी 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 बता दीजिए, दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है 8
पहले का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर 12, और बाद में दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है तो 9, तो आपका आंसर आ गया बच्चा लोग 8:2, 12:9। कितना आंसर आ गया? 8:2, 12:2। एक मिनट है बच्चा लोग, वाई बाय जेड ही दिया था ना, हाँ वाई बाय जेड ही दिया था, तो ये आ जाएगा 8:2, 12:9। सिंप्लीफाई होता है क्या? सिंप्लीफाई होता है क्या? 2:12:12, 2:12, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 8:12:9। सही है, नन ऑफ दिस रहेगा इसका भी आंसर, ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दिस। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, आपका भी रिस्पांस बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी डिले के। यस, डिवीजन ऑफ 750 इन थ्री पार्ट्स इन द रेशियो 4:5:6। बच्चा लोग देखिए, यहां पर आपकी मदद करेगा कैलकुलेटर, कैसे मैं बताता हूं, ध्यान दो, इन तीनों का टोटल कर लो, कितना होगा 4+5+6 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, और कितने रुपीज है 750। अब ए का जो रेशो है, ए का यानी पहले वाले इंसान का, वो है 4/15, 4/टोटल इनटू टोटल रुपीज कितने हैं 750। बस इतना निकाल लो और आंसर बता दो, इतना निकाल लो और मुझे आंसर बता दो, कैलकुलेटर लीजिए, और आपको करना क्या है, 4 × 750/15 वो आएगा 3000/15, 3000/15 का मतलब हो जाएगा 200, तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 200, तो 200 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वही मेरा आंसर होगा। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4:5:6 है, तो 4+5+6=15, ए का हिस्सा कितना है 4 का, तो 4/15 इंटू टोटल कितने रुपीज थे 750, तो 4 × 750 कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी 4 × 750, 4 × 750 will be equals to 3000, 3000/15 will be equals to what 200, आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए 17। तो ये बच्चा लोग हमने यहाँ पर ब्रह्मास्त्र यूज किया था, क्या यूज किया था, ब्रह्मास्त्र यूज किया था इस क्वेश्चन में, लॉजिक, ठीक है। चलिए, द सम ऑफ थ्री persons, द सम ऑफ एजेस ऑफ थ्री persons इज व्हाट, द सम ऑफ एजेस ऑफ थ्री persons इज व्हाट, कितना होता है बताइए, 150। 10 years ago, their ages were in the ratio 7:8:9. ठीक है, मैं पहला ऑप्शन लेता हूं बच्चा लोग, पहला ऑप्शन लेता हूं, उसमें से मैं 10 years माइनस कर रहा हूं, 10 years में माइनस कर रहा हूं, 10 years में माइनस कर रहा हूं, यह आ जाएगा 35, बाद में 40 और 45। अब चेक करिए कि इनका रेशो क्या है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो यह आएगा 7, यह आएगा 8 और यह आएगा 9, तो आपका जो उत्तर है इट इज 7:8:9। प्रेजेंट भैया 10 साल पहले का रेशो 7:8:9 आ रहा है, ठीक है, आज की एज पूछी है, अब चेक कर लीजिए क्या इनका सम 150 आ रहा है, अगर आ रहा है तो वही आपका आंसर है, ठीक है, वही आपका आंसर है। 10 साल पहले रेशो क्या था भैया, रेशो कितना था 7:8:9 था, और वो पहले ही ऑप्शन में हमको मिल रहा है, मैंने हर एक की एज 10-10 साल कम कर दी, रेशो चेक किया 7:8:9 मिला, तो मेरा आंसर हो गया 7:8:9, ठीक है बच्चा लोग ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है बाद में क्वेश्चन नंबर 18, 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में नहीं है, तो पूछा गया है कि चौथा नंबर क्या होना चाहिए ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, तो 42 को मैं हटा देता हूं और उसको x बोल देता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 14x = 16×35, वही अहमदाबाद दिल्ली बैंगलोर चेन्नई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14x = व्हाट विल बी 16×35, कैलकुलेटर पर करके बताइए प्लीज, व्हाट विल बी 16×35, जल्दी जल्दी बताइए, मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा 16×35 will be equals to 560, ठीक है, और x हो जाएगा 560/14, that is nothing but 40, तो आपका चौथा नंबर जो होना चाहिए बच्चा लोग वो होना चाहिए 40, कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा that is nothing but what 40। Is that clear to all of you? I hope it is clear to each and everyone in the class, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, let us proceed
टू सम लास्ट लीग ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, ध्यान देंगे सब लोग. क्या है? ठीक है, 12/16 इज इक्वल टू x/20. ठीक है, तो x क्या होगा? बच्चा बच्चा जानता है x कैसे निकालना है. 12 × 20 इज इक्वल टू x × 16. कैलकुलेटर है आपके पास, 240/16 करिए, इज इक्वल टू x, मेरे ख्याल से आंसर आएगा 15. तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी बच्चा लोग 15. कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी x की वैल्यू. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर बीच में 24th क्वेश्चन, 4*9 and 13.5 आर इन प्रोपोर्शन. बच्चा लोग देन स्टार इज, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क. 13.5 को आप 13.5 लीजिए, 13.5 को आप कितना लेंगे कैलकुलेटर में? 13.5 लेंगे. तो ये क्वेश्चन स्टार करके रख रहा हूं, होमवर्क है आपके लिए. ठीक है, नाउ द मीन क्या बोला है? द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 and 5.6 25th. मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 के बीच में x डालना है और उसके बाद में 5.6 लिखना है. तो x कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 1.4 × 5.6. सबके पास कैलकुलेटर है, 1.4 × 5.6 करेंगे और स्क्वायर रूट का सिंबल जो है कैलकुलेटर में उसको दबा देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक सेकंड होल्ड करिए, हम कोशिश करते हैं आपको ट्रिक को इसको कैलकुलेटर पे करके बताने की. जस्ट अ सेकंड बच्चा लोग, जस्ट अ सेकंड बच्चा लोग. कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तो है पर थोड़ा काम नहीं कर रहा है. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो 1.4 × 5.6 करिए और उसको कैलकुलेटर में डालिए और वो रूट में आ जाएगा आपका आंसर. रूट कितना आएगा देख लीजिए, 56 × 14, मेरे ख्याल से आंसर 3.2 आता है. ठीक है, आंसर कितना आता है? 3.2 लगभग आंसर आता होगा, या 2.8 आता होगा, जो भी है. ठीक है, तो 2.8 को मैं टिक कर देता हूँ. दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो बी होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है बच्चा लोग, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. चलिए अभी कोई क्वेश्चन बचा है क्या हमारा, देख लेते हैं एक बार. कोई क्वेश्चन बचा है क्या? कोई क्वेश्चन बचा है? 26, 27 आप कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, 26 and 27 आर वेरी इजी क्वेश्चंस, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट. दिस टू क्वेश्चंस विल आल्सो बी होमवर्क फ्रॉम द टॉपिक प्रोपोर्शन. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर कि आपको ये पूरे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, अब बच्चा लोग थोड़ी बहुत ना प्रॉपर्टीज होती है प्रोपोर्शन की. ये प्रॉपर्टीज क्या है इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर भी निर्भर क्वेश्चन आते हैं जनरली. ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, यहां पर मैं उसको लिखता हूं. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन याद रखना, इसके नाम थोड़े अजीब है फिर भी हमको इसको याद तो करना ही पड़ेगा. पहली प्रॉपर्टी है a/b इज इक्वल टू c/d. इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखा, ad इज इक्वल टू bc. इसे हम कहते हैं cm, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर एक प्रोपोर्शन है a/b इज इक्वल टू c/d और इसको मैं ऐसा कर दे रहा हूँ d/b इज इक्वल टू c/a, यानी क्या किया मैंने, मैंने इन दोनों की जगह चेंज कर दी बच्चा लोग, तो इसे कहते हैं बच्चा लोग अल्टरनेंडो. क्या कहते हैं? अल्टरनेंडो. अब नाम ही ऐसे है. ठीक है, अल्टरनेंडो, अल्टरनेट जगह चेंज करते हैं किसी भी एक, या तो a/d की करो या तो b/c की करो, वो आप पर निर्भर करता है. नेक्स्ट कम्स नंबर सी, प्रॉपर्टी नंबर सी और प्रॉपर्टी सी. अगर a/b इज इक्वल्स टू c/d है और मैं इसको लिख रहा हूँ b/a इज इक्वल्स टू d/c, इसे कहते हैं रेशो के जैसा इनवर्टेंडो. क्या कहते हैं? इनवर्टेंडो. ठीक है, वी कॉल इट एज इनवर्टेंडो. डी जो है, डी प्रॉपर्टी, अब क्या है, अगर a/b इक्वल टू c/d है, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ a+b/b इज इक्वल टू c+d/d, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो. इसे हम क्या कहते हैं? कंपोनेंडो. तो आपके आंसर बच्चा लोग इससे आने लगेंगे. अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, वो भी देखेंगे कैसे. ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है वो ऐसी है a/b इज इक्वल टू c/d, इसको अगर मैं लिखता हूँ a-b/b इज इक्वल टू c-d/d, तो इसे कहते हैं डिविडेंडो. क्या कहते हैं? डिविडेंडो. ठीक है बच्चा लोग, और दो तीन प्रॉपर्टीज है, ई के बाद आता है एफ. चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट, कम ऑन. एफ क्या रहेगा?
अगर ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है और मैं इसको अगर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इसे बच्चा लोग कहते हैं कंपोनेंडो। क्या कहते हैं? कंपोनेंडो, डिविडेंडो। क्या कहते हैं? कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? थोड़े नाम बोरिंग है, थोड़े कंसेप्ट भी बहुत ही लगते हैं कि यार कैसे याद करेंगे क्या करेंगे, पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोपोर्शन अच्छे से समझ गया तो ये प्रॉपर्टीज एक बार सिर्फ पढ़ के चले जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आते हैं तो टिक कर करके आ जाइए, ठीक है। उसके बाद में ई एफ, उसके बाद आता है जी। अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, क्या बोला मैंने, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो इसे हम कहते हैं डिविडेंडो कंपोनेंडो। क्या कहते हैं? डिविडेंडो कंपोनेंडो। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज एच, हम कहते हैं इसे, अगर आपका ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ है, तो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी माइनस डी माइनस एफ, इसे हम कहते हैं एडेंडो। क्या कहते हैं इसे? एडेंडो कहते हैं, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियोज। क्या कहते हैं इसे? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज, ठीक है। थोड़े नाम अजीब है, बट याद तो करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई तोड़ ही नहीं है। अगर आपको सब चीजें मेरे लेक्चर की समझ में आ रही है या अब तक आई है, जैसे बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, चीजें समझ रही है, दिमाग में बैठ रही है, तो प्लीज वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, प्लीज 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 लाइक द वीडियो, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, बताइए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन? ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर है, अगर AD इक्वल टू BC है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों की जगह अगर चेंज कर दी तो अल्टरनेंडो, दोनों को अगर उल्टा कर दिया तो इनवर्टेंडो, अगर नीचे वाला ऊपर वाले में ऐड कर दिया दोनों तरफ तो कंपोनेंडो, नीचे वाला ऊपर वाले से माइनस कर दिया तो डिविडेंडो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। ए बाई अगर ऊपर सब्ट्रैक्शन और नीचे एडिशन करते हैं, एक बात समझ लो भैया, किसी को बताना नहीं, एडिशन का मतलब कंपोनेंडो और सब्ट्रैक्शन का मतलब डिविडेंडो, ठीक है। उसके बाद एक आती है प्रॉपर्टी एडेंडो, अरे यहाँ पर प्लस साइन चाहिए, सॉरी सरकार, यहाँ पर क्या चाहिए? प्लस साइन। ऐसा ही माइनस के लिए भी होता है, ए माइनस सी माइनस ई अपॉन बी माइनस डी माइनस एफ, इसे हम कहते हैं सब्ट्राहेंडो। क्या कहते हैं? सब्ट्राहेंडो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको याद रखना बहुत ईजी है, और इसको याद रखेंगे लंबे समय तक, क्योंकि इसका काम पड़ सकता है हमें क्वेश्चन में। Is that clear to all of you? ज़्यादा questions नहीं है, module में इसके एक दो questions है, उन्हें पटापट पटापट practice करते हैं और फिर proportion को यहाँ पर समाप्त करते हैं। Just a second बच्चा लोग, let us take proportion। Yes, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे 19, 20, 21, 22, ठीक है, 19, 20, 21, 22, ये चार क्वेश्चंस हमें करने हैं, हमारे ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगे बच्चा लोग। चलिए चलिए भैया जी, फटाफट फटाफट उस क्वेश्चन को लेकर के आइए हमारी आंखों के सामने, और वो क्वेश्चन रहे आपके स्क्रीन पर ये रहे। चलिए चार क्वेश्चंस, चार मिनट भी नहीं लगने चाहिए इन क्वेश्चंस को, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो, x by y is equal to z by w implies y by x is equal to w by z। भैया x और y और z और w की पोजीशंस उल्टी हो गई, तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? इनवर्टेंडो। और इनवर्टेंडो का मतलब क्या होता है? इनवर्टेंडो का मतलब होता है नन ऑफ दिस। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा? नन ऑफ दिस। क्या आ जाएगा? None of this. Then P by Q is equal to R by S is equal to P minus R upon Q minus S. Subtraction हो रहा है, तो subtrahendo. A by B is equal to C by D. A plus B upon A minus B. ऊपर addition, नीचे subtraction, तो componendo and dividendo. U by V is equal to W by P. U minus V upon U plus V.
और उसके बाद W माइनस पी अपॉन W प्लस पी, ये भैया जी ये है डिविडेंडो कंपोनेंडो, पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, none of this. Is that clear to all of you? हमने पूरे के पूरे चारों के चारों क्वेश्चंस को एक मिनट में सॉल्व कर लिया. इसी तरह की स्पीड आपकी होनी चाहिए सीए फाउंडेशन के पेपर में. मैंने पहले ही बताया था, कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है दुनिया में जो हमको हरा सकती है. अगर हम किसी चीज पर डटकर लगे हुए, ठीक है, तो हमें कोई भी चीज इस दुनिया की नहीं हरा सकती. फिर सीए फाउंडेशन का पेपर थ्री क्या है, ठीक है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डर और दर्द सब दूर भाग जाएगा क्योंकि अब मैथ्स पढ़ने में भी मजा आएगा. तो बच्चा लोग आज के लिए यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे एट द सेम टाइम विद इंडाइसेस. इंडाइसेस एक टॉपिक जो है ना बच्चा लोग, ये मैथमेटिक्स यानी बिजनेस मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सभी लोग प्लीज इस लेक्चर को, कल के लेक्चर को मिस ना करें जो कि कल 3 बजे के लिए शेड्यूल हुआ है. कल का दिन और परसों का दिन हो सकता है हमें इंडाइसेस करना पड़े, 2 दिन लग सकते हैं. तो सभी लोग डट करके लेक्चर को अटेंड करेंगे और मिलते हैं कल और मजे के साथ में इंडाइसेस को समझेंगे, ठीक है बच्चा लोग? एंड डोंट फॉरगेट, इफ यू हैव एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और कलीग्स जिनको दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर करना है, आस्क देम टू ज्वाइन द बैच संकल्प विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th ऑफ दिस मंथ, ठीक है? और उनको कहिए कि वो कोड यूज कर सकते हैं संदेश टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर द सेम. ओके गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही. हमने प्रोपोर्शन देख लिया, प्रोपोर्शन क्या होता है सब चीजें देख लो एक बार, फटाफट रिवाइज कर लीजिए इसको. हो सकता है मैं इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजूं. टेलीग्राम ग्रुप जो है लेट्स क्रैक सीए फाउंडेशन का, उसको सब लोग ज्वाइन कर लीजिए. उसमें डेफिनेटली मैं इसको आपको भेजूंगा एंड नोट्स आपके बहुत काम आ सकती है क्योंकि इसमें बहुत जगह ब्रह्मास्त्र, बहुत जगह ट्रिक्स भी है. प्रोपोर्शन में दो ही चीजें हैं. क्या है दो चीजें? द टू थिंग्स दैट वी हैव इन प्रोपोर्शन आर व्हाट? प्रॉपर्टीज एंड उसी के साथ में बेसिक्स ऑफ प्रोपोर्शन, बस और कुछ नहीं है. अच्छे से पढ़ो. रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हमने इसके डिस्कस किए वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं कल. चलिए बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय.